vuelta sobre será do eu dodge tools de session aí a burn tools de do outro aqui a mar passa aqui é do dodge tool ou burn tool dodge tool jo hai agar kisi tasveer ko for example iska jo chehra hai usko thoda safed karna powder model lagana ha to iske liye ye dodge tool se agar usko for example bahut safed hai ek is tarah safed tasveer nikalte hai ki usme ye dekhiye iska mukh bahut safed hua hai ha ab isko thoda kya karna hai burn karna hai iska jo nanulla tasveer barawa jo chala mukh zale अगर कोई तस्वीर बहुत स्पिन है वाइट सा है तो उसका हम लोग थोड़ा उसका बर्न कर सकते हैं सही। तो ये हम लोग लेते हैं कि इसको भी वाइट किस तरह करते हैं। देखिए जूम के लिए इधर शॉर्टकट हमारे लिए रखा है पेज नंबर 16 पे किताब पे। जूम के लिए मुख्तलिफ शॉर्टकट्स हैं। जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्लस क्लिक। कंट्रोल और स्पेस बार जब हम लोग वो करते हैं, जब क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चेहरा नज़दीक हो जाता है, ये जूम इन ये नज़दीक आ जाता है। दूसरा है जूम विंडो कंट्रोल प्लस प्लस के साथ, देखिए ये और भी नज़दीक हो जाता है, और कंट्रोल प्लस माइनस के साथ ये जूम इन और ये दूसरा जूम आउट। क्लियर है। दूसरा हमारे पास जो है कंट्रोल प्लस माइनस स्क्रॉल अप और डाउन के लिए पेज अप पेज डाउन, ये पेज अप और पेज डाउन यानी ऊपर नीचे जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सही है। और दूसरा है हमारे पास लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी तस्वीर को 100% हम लोग देखना चाहते तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते तो 100% दिख जाता है। सही। और ना जूमिंग के लिए कंट्रोल स्पेस बार और इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। सही। तो इसका ये चेहरा आ गया। अभी चेहरा को और हाँ थोड़ा क्या गुलाबी बनाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये है डॉज टूल्स। ओपेसिटी ऑफ और ये इसका साइज़ जो है ब्रश का साइज़, ब्रश का साइज़ नॉर्मल बनाते हैं। और ये हमारे पास क्या है 50% अगर थोड़ा कम करना चाहते हैं, ज़्यादा वाइट ना हो, क्योंकि ज़्यादा वाइट जो आता है पर इस तरह ब्राउन उस तरह दिख जाता है। सही। देखिए ये हल्का हल्का भी वाइट हो रहा है। क्लियर है। तो ये जगह क्या हो गया, वाइट हो गया। जो जगह डार्क है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, वाइट कर सकता हूँ। समझ गए। तो ये हमारे पास क्या है डॉट्स। तो इसको फॉर एग्जांपल आंक जो है फॉर एग्जांपल ये इसको भी सही। अभी जूम आउट करते हैं कंट्रोल प्लस माइनस। बाज़ जगह जो दिख रहा है कि ये जगह को आपने चेंज किया है तो उसको हिस्ट्री ब्रश के साथ, ये हिस्ट्री ब्रश है उसको ज़्यादा करके तो ये
ब्रश, ये फर्स्ट वन, इसका साइज ज़्यादा करते हैं, जिस जगह को आपने ज़्यादा वो किया है, सफ़ेद दिया है, उसको मैं क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, सही है। यानी बालों का अगर कलर चेंज हुआ है इसमें तो आए पति, तो ये जूम आउट, सही, तो इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद सा, यानी पाउडर तो ब्लर के लिए तो खैर, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चश्मे भाई को देख, तो उसको देखते हैं कि इसका फॉर एग्जांपल ये फेस बहुत चमक रहा है, अगर इसको थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो इधर हमारे पास पर बर्न टूल है, सही। बर्न टूल से ये क्या होता है कि इन्हें जो जगह ज़्यादा हाँ वाइट दिख रहा है तो उसको हम थोड़ा बर्न कर सकते हैं, सही। ज़्यादा बर्न ना करे क्योंकि पर ये सुर्ख सुर्ख दिखता है, पर कहते हैं कि ये ज़्यादा जल गया है। तो ये बर्न तक इधर तक मेरे ख्याल से सही था। फिर तो ये क्या है हमारे पास, बर्न टूल है, बर्न टूल के साथ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तस्वीर को थोड़ा अगर ज्यादा वाइटनेस इस पर ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर डार्क कर सकते हैं, सही। उसको भी थोड़ा शक्ल हाँ, वो एक्शन पे, तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि बर्न टूल एंड डॉज टूल्स ये दोनों क्या करता है। स्पंज भी है, स्पंज पर इस तरह करता है कि बिल्कुल ग्रे कलर, स्पंज का कलर क्या है, ग्रे, तो देखिए ये बहुत क्या आ जाता है, ग्रेश, सही। अगर इस ये जगह को अगर आपको स्पंज लगाना है तो ये पर ग्रे कलर हो जाता है, सही। ये कौन सा कलर आ जाता है, ग्रे, तो ये पर ना सही नहीं है, सही। इस ब्रश के साथ दोबारा इसको अपने हालत में आप ला सकते हैं, क्लियर है। तो ये था हमारा दो काम, जो उसमें जूमिंग भी डिफाइंड हो गया, सही, और स्पंज टूल्स एंड डॉज टूल्स और हिस्ट्री ब्रश, ये काम है। यानी हिस्ट्री ब्रश जिधर आपसे गलती होता है, अगर उस गलती को, मिस्टेक को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ये हिस्ट्री ब्रश। तो ये हाँ बस ये भी कर सकते हो, खैर अभी इतना काफ़ी है, क्लियर है।